वालेकुम फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोफेशनल देगी पुलाव की रेसिपी और बहुत आसान तरीका बिल्कुल जो है आ, कम टाइम में पैंतीस से जो है चालीस मिनट में आप ये देगी पुलाव जो है वो तैयार कर सकते हैं और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी के लिए हमारे पास ये अज्जा हैं और चावल जो हैं वो बारह किलो कच्ची बासमती आधा घंटा भिगोए हुए घी ढाई किलो 2500 ग्राम और प्याज जो है वो 2500 ग्राम टमाटर 3 किलो लहसुन आध पाओ और अदरक भी आध पाओ और गरम मसाला पाउडर एक सौ पचास ग्राम हरी मिर्च पचास ग्राम पुदीना एक गुटी और इमली एक पाव नमक जो है वो दो सौ बीस ग्राम या हँसबायका खुश्क धनिया और जो है गोश्त जो है वो आठ किलो है हमने डाला है और आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं कन्ोर चिकन एक टिब्बी बिरयानी मसाला बिरयानी मसाला एक पैकेट वो भी ऑप्शनल है और पानी जो है वो हमने सत्रह लीटर सत्रह से अठारह लीटर डालना है तो यहाँ पे सब चीज़ें हमने एक साथ हरे मसाले जो हैं वो एक साथ डाल लिए हैं और जो है हमने चिकन भी डाल लिया और उसके बाद हम मसाले ऐड कर रहे हैं दली हुई मिर्च लाल मिर्च और और यहाँ पे हम नमक ऐड कर रहे हैं और गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया हमने तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने आंच जो है वो चला दी है और मीडियम आंच पे हमने इसको रखा है तो यहाँ पर हम इसको पाँच मिनट तक इस तरह के से चम्मच चलाएंगे और उसके बाद जो है इसको ढक्कन हम लगा देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको पाँच मिनट जो है वो भून लिया है ढक्कन लगा के और उसके बाद उसके बाद हमने फिर से ढक्कन उठा के ढक्कन हटा के पाँच मिनट तक फिर से हिलाना है सारे मसालों को तो दो से तीन मरतबा हमने इसी तरीके से मीडियम आंच पे आ, हाई आंच पे नहीं रखना है ऐसा ना हो कि आपके मसाले जो है वो जल जाए मीडियम आंच पे हमने इनको भूनना है पाँच पाँच मिनट ढक्कन के साथ ढक्कन लगा के और पाँच मिनट ढक्कन जो है वो हटा के और यहाँ पर जो है वो हमने दूसरी बार ढक्कन लगा दिया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मसाला भून चुका है और यहाँ पर हमने हल्का सा पानी लगा दिया है ज़रूरत हो तो आप भी लगा लीजिए ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लग जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मसाला जो है वो भून गया है अच्छे से और अब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे 18 लीटर हमारा पानी इसमें चला गया है और यहाँ पर हमने अस्सी ग्राम जो है वो खुश्क धनिया ऐड कर दिया है और इसका मकसद ये होता है कि इससे बहुत अच्छा फ़्लेवर आएगा और साबित धनिया जो है बहुत अच्छा लगेगा फ़्लेवर इसका और यहाँ पर हमारे पान पानी में जो है वो बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद हम इसमें जो है वो भिगोए हुए चावल अच्छे से धोए हुए भिगोए हुए चावल जो है वो हमने इस तरीके से उनका पानी जो है वो निचोड़ लिया था और उनको ऐड कर लिया और यहाँ पर हम जो है चम्मच जो है चलाएंगे, लेकिन ध्यान से कि हमारे चावल जो हैं वो टूटने ना पाएँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और नमक या मिर्च का तो यहाँ पर भाई ने चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट था और यहाँ पर जब नमी खुशक होने लगे तो हमने यहाँ पर थोड़ा बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है यह भी ऑप्शनल है और उसके बाद नमी खुशक होने के बाद हमने इसको दम लगा दिया है और दम के लिए पाँच दो तीन मिनट हमने आंच को जो है वो हाई रखना है और जब साइड से जो है स्टीम निकलने लगे तो आप उस टाइम पे आंच जो है वो हल्की कर दें और आप आंच को देख सकते हैं कि कितनी लो है और यहाँ पर दम खाने के बाद हमने इस तरीके से ढक्कन उठाया तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत जो है वो प्यारी खुशबू आ रही है और यहाँ पर हमने फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लास्ट पे इस तरीके से आप चम्मच चला दें ताकि वो प्लाव में जो है वो गुटलिया से जो बन जाती हैं वो ना बने तो यहाँ पर चावल जो है बिल्कुल वो एक, एक दाना जो है वो अलग अलग है बहुत ही अच्छा इसने दम जो है लिया है और बहुत अच्छे जो है देखने में भी लग रहे हैं और बहुत अच्छा टेस्ट टेस्ट करके आपको हम बताते हूँ और जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरे भाई की ये रेसिपी कैसी लगी और वो जो है बहुत अच्छे कुक मास्टर हैं और लोगों के जो है वो ऑर्डर जो है वो पिक करते हैं और उनको ऑर्डर पे तैयार करके देते हैं तो मैं उनसे सीखना चाह रही थी मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती चलूँ तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और तो मैंने यहाँ पर चेक किया बहुत ही माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा ज़ायका था बहुत अच्छा टेस्ट था और और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे भाई की रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़